नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ बिजनेस के इस वीडियो को लेकर। और ये वीडियो आपके लिए आज बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो के जरिए एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो बिजनेस वो आपको जल्द बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो हम सब जानते हैं आयात निर्यात का बिजनेस, यानी कि एक देश से दूसरे देश का बिजनेस। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खरीद फरोख्त करना बेहद आसान हो गया है। खान पान की चीजों या तकनीक जैसी चीजें तो हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम रही हैं, परंतु अब दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। चाहे बड़ी कंपनियों हो या फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा एक आदमी, हर कोई अब वैश्विक व्यापार से किसी न किसी रूप से जुड़ गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज कस्टमर्स तक सामान पहुंचाने के लिए नित नए तरीके निकाल रही हैं। इससे अब ग्राहकों के इंतजार का समय भी कम हुआ है। आजकल लोगों के पास बिजनेस के ढेरों आइडियाज हैं, पर सफलता की गारंटी किसी के पास नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी डिग्री, बैकग्राउंड आदि का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इसमें अपना करियर बनाने की सोच सकता है। इस बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि शायद इस बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं, ऐसा हर तरह के बिजनेस में जरूरी नहीं है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सफल होने के लिए आपको बड़े बड़े ऑफिस, बिल्डिंग या फैक्ट्री आदि में कोई मतलब नहीं है। इस बिजनेस में बस आपका प्रोडक्ट बोलता है, जितना अच्छा माल उतना ज्यादा प्रॉफिट। आप अपने बिजनेस का विस्तार सिर्फ अपने उत्पाद की क्वालिटी पर ही कर सकते हैं। साथ ही आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और बिजनेस की समझ, आपके कॉन्टैक्ट्स आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी सक्सेस को निर्धारित करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लाभ कमाने के मौके काफी ज्यादा है। जितना भी पैसा आप कमीशन के रूप में कमाते हैं उसका अधिकतर हिस्सा आपके पास ही रहता है, क्योंकि इस बिजनेस की ओवरहेड कॉस्ट काफी कम है। ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है, जैसे कि शोरूम का किराया, ऑफिस की बिजली का बिल आदि। सरकार की निरंतर कोशिश रहती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि गैर कानूनी गतिविधियों के डर से इससे जुड़ी प्रक्रियाएं जटिल रखी गई हैं। काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है, यही सब इस बिजनेस को थोड़ा सा जटिल बनाता है। 21वीं सदी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस फायदे का सौदा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको प्रॉफिट कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर उत्पाद पर प्रॉफिट मार्जिन घरेलू मार्केट के मुकाबले अधिक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट और अपने मार्केट की पूरी जानकारी होना जरूरी है। आयात निर्यात के बिजनेस में एक सबसे बड़ी जो अहम बात है वो है कि इस तरह के बिजनेस को कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, और अगर ये चुनौतियाँ पूरी करने में, इन कसौटियों पर खरा उतरने में किसी तरह का ये आयात निर्यात का बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमूमन ये बिजनेस न्यूनतम निवेश के साथ भी शुरू किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि निर्यात आयात व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति को इस बिजनेस से जुड़े जोखिम के बारे में जानकारी हो, ताकि वो अच्छी तरह से सूचित और तैयार रहकर जोखिमों को रोक सके। दुर्भाग्य से अधिकांश नए निर्यातकों और आयातकों को ये जानकारी कम है, क्योंकि लोकल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मात्रा में व्यवसाय चल रहा होता है, गलतियां होने के अवसर भी उतने बढ़ जाते हैं। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में वित्त ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो कंपनी काफी घाटे में जा सकती है। जब हम बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो ध्यान देने वाली बातें और बढ़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हर देश की अपनी एक नीति होती है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट किसी देश की नीति के कितने अनुरूप है। कई बार उत्पादन बढ़ जाने और मांग गिर जाने के कारण उद्यमी अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में असफल रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बदलाव आते रहते हैं, ऐसे में इन बदलावों का नेगेटिव असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है और बिजनेस को हानि पहुंच सकती है। देशों की मुद्रा विनिमय दर यानी करेंसी एक्सचेंज रेट भी घटती बढ़ती रहती है, ऐसे में अगर किसी देश की मुद्रा गिरती है तो आपका प्रॉफिट भी उसी अनुसार गिर सकता है। ये ऐसे कारक हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। एक सीमा से दूसरी सीमा तक जाने में सामान काफी सारे पड़ावों से होकर गुजरता है। यदि आप पानी के जहाजों के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो डैमेज का खतरा बढ़ जाता है, आपके सामान को नुकसान पहुंचाकर आपका भारी नुकसान हो सकता है।
ऐसे लॉस से बचने के लिए आप अपना सामान इंश्योर कर जरूर कराएं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। जब से कारोबारियों ने सफर करना शुरू किया, ये बिजनेस तभी से चल रहा है और आज वैश्वीकरण और परिवहन से आसान होते तरीके के साथ ये बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग और कंपनियां इस बिजनेस के जोखिमों से जूझी और पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर आईं। ये निश्चित ही आपके लिए एक राहत का संदेश होना चाहिए कि आप कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे जिसमें हार की संभावना अधिक हो। अपनी राह पर भरोसे के साथ निकले, यही सोच और कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करें। लाभ के अवसर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपने ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कितना ज़रूरी है हर बिजनेस को लेकर एक राय बनाना, हर बिजनेस को लेकर कुछ ना कुछ टिप्स को समझना, और इसीलिए हम लगातार आपके पास नए नए वीडियोस के साथ आ रहे हैं और हम हमेशा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखते हैं कि किस तरह के बिजनेस को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी है, ज़्यादा रुचि है। तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए और किस तरह के वीडियोज़ और आप देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।